रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं कनेक्शन टू चैनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है फुल तौर पर जो है आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे अप्रूवमेंट 2022 के हवाले से, इम्तहाना 2022 के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे। इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर रहे थे। इसी तरह जो है फेसबुक पेज के ऊपर भी, जो हमारा कैडिशन के नाम से है, उसके ऊपर भी बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि PBCC ने जो है वो अप्रूवमेंट के हवाले से क्या फैसला किया है। खासकर जो है जिस तरह लाहौर बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड के बच्चे हो गए, भालपुर बोर्ड के बच्चे हो गए, इसी तरह रावलपिंडी बोर्ड हो गया, डीजीखा बोर्ड हो गया, सरगोधा बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया, इन तमाम बोर्ड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे अप्रूवमेंट के हवाले से क्वेश्चन कर रहे थे। हालांकि मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो जो है अप्रूवमेंट के हवाले से बनाई थी और मैंने चैनल के ऊपर अपलोड भी की थी कि पंजाब के अंदर जो है आप 3 साल के अंदर आपको 4 चांस जो हैं वो दिए जाएंगे और जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो आप अगर एक दफ़ा पेपर देते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती दूसरी दफ़ा दे सकते हैं, अगर दूसरी दफ़ा नहीं होती तो तीसरी दफ़ा दे सकते हैं, अगर तीसरी दफ़ा भी अप्रूवमेंट आपकी नहीं होती तो आप जो है चौथी दफ़ा भी जो है अप्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। मैंने बार बार वीडियोस के अंदर आपको बताया था, चैनल के ऊपर मौजूद है, अभी भी आप जाके वो सुन सकते हैं। अच्छा, अब जो है अब जो न्यू अपडेट आई है मैं आपकी एक बार क्लियर कर दूँ कि वो तो बात आपकी होगी क्लियर। इस वीडियो के अंदर कुछ बच्चों के लिए खबर जो है बहुत अच्छी है, वो गुड न्यूज़ है समझ लें, और कुछ बच्चों के लिए खबर अच्छी नहीं है, बुरी खबर है, बात को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक आपकी एक दफ़ा मतलब अप्रूवमेंट नहीं होती तो आप बार बार जो है 4 दफ़ा 3 साल के अंदर पंजाब के अंदर अप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने बार बार जो है वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि जब तक आपकी अप्रूवमेंट नहीं होती। अच्छा, अब जो है कुछ फैसले जो हैं वो सामने आए हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने लगा हूँ, जो अपडेट जो है वो सामने आई है। अच्छा, अब PBCC के इजलास में जो है तफसीली जो है वो बात हुई अप्रूवमेंट के हवाले से, और ये फैसला किया गया कि 4 चांसों की जो पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी। जिस तरह हमने पहले आपको बताया था कि अगर आपकी एक दफ़ा अप्रूवमेंट नहीं होती तो एक दफ़ा कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं होती, तीसरी दफ़ा नहीं होती, तीसरी तरह चौथी दफ़ा भी आप कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वाली पॉलिसी जो है ये बरकरार रहेगी। लेकिन इसके अंदर अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, आप अच्छी तरह सुन लें। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपने अप्रूवमेंट के लिए पेपर दिए और आपने अप्रूवमेंट कर ली, मतलब ये कि आपने अप्रूवमेंट कर ली, आपके नंबर पहले से ज़्यादा हो गए, तो फिर आप जो है दोबारा अप्रूवमेंट का चांस नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे आपने पेपर दिए, आपके नंबर, आपको लगा कि मेरे नंबर कम है, उसके बाद आपने पहली दफ़ा अप्रूवमेंट करने के लिए दाखिला भेजा और उसमें नंबर ज़्यादा हासिल कर लिए, तो अप्रूवमेंट तो हो गई आपकी, फिर आपको नेक्स्ट चांस जो है वो नहीं मिलेंगे। ये बात आप अच्छी तरह नोट कर लें। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जिन बच्चों ने अप्रूवमेंट के लिए पेपर दिए लेकिन उनका एक भी नंबर जो है वो नहीं बढ़ा, मतलब जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आपकी आप एक दफ़ा अप्रूवमेंट करते हैं के लिए पेपर देते हैं नहीं होती तो दूसरी दफ़ा भी आप कर सकते हैं, तीसरी दफ़ा भी, चौथी दफ़ा भी, तो सेम इसी तरह ही फैसला हुआ है। उस फैसले के अंदर बताया गया कि अगर आप जो है अप्रूवमेंट के आपने पेपर दिए और आपकी अप्रूवमेंट नहीं हुई, आपका एक भी नंबर नहीं बढ़ा, तो फिर आप जब तक आपकी अप्रूवमेंट नहीं होती तो आप जो है बार बार जो है मतलब 4 दफ़ा जो है अप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपकी बात होगी क्लियर। इसके साथ साथ एक बहुत अहम और भी बात कही गई, वो किन बच्चों के लिए है कि आपने जो है अप्रूवमेंट के पेपर दिए, ठीक है, लेकिन आपके 45% से नंबर ज़्यादा नहीं आए, आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं बनी, नंबर आपके कम आए 45% से। अगर आपके दूसरी सूरत ये है कि अगर आपके नंबर, आपने पेपर दिए, नंबर तो आपके बढ़ गए लेकिन फिर भी नंबर बढ़ के भी आपके नंबर जो हैं वो 45% से कम है, तो फिर भी आप चांस जो हैं वो ले सकते हैं। वो बच्चे जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम दिया या जिन बच्चों ने एनुअल का एग्ज़ाम दिया, ठीक हो गया, उनके नंबर 45% से ज़्यादा नहीं हुए, तो वो बच्चे भी अपना चांस जो है दोबारा ले सकते हैं, 2022 के अंदर अप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये जो है ये फैसले सामने आए हैं, जो हम तक अपडेट जो है वो पहुंची है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 क्या फैसला हुआ है कि आप जो चांस आपको 4 दिए गए हैं वो बरकरार रहेंगे, मतलब जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, ठीक हो गया। अगर आपके 45% से आपने नंबर बेहतर करने के लिए पेपर दिए और 45% से आपके नंबर जो हैं वो ज़्यादा आ गए,
ठीक हो गया तो फिर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके 44% नंबर आ गए, 43% आ गए, इसी तरह 33% आ गए, 40% आ गए, तो फिर आप जो है दोबारा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके अंदर बार बार मैं आपकी बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है, थर्ड, तो आप जो है जब तक आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं हो जाती तो उतनी देर तक जो है आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपके 45% नंबर हो गए उसके बाद ख़त्म, फिर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। ये पंजाब के हवाले से अपडेट आई है, इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी ये अपडेट सामने आई है, नोटिफिकेशन अभी सामने नहीं आया। नोटिफिकेशन जैसे ही पब्लिक होगा फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। अगर कोई मज़ीद इसके अंदर जो है चेंजिंग आई या नोटिफिकेशन रिवाइज हुआ तो वो भी मैं न्यूज़ फिर आपके साथ शेयर करूंगा। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आती रहे आपको बरवक्त मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है वो क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने आपको के साथ बात कौन सी शेयर की है। तो फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके तमाम क्वेश्चनों के आंसर जो है वो मैं आपको दे दूंगा। और रही बात इस नोटिफिकेशन की, PBCC का नोटिफिकेशन के बाद फिर बोर्ड की तरफ से भी नोटिफिकेशन आएगा, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, नोटिफिकेशन भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी ये अपडेट सामने आई है जो मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन जैसे ही पब्लिक होगा फिर वो भी शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी फिर आपके साथ हम जो है वो शेयर करते रहेंगे। अगर कोई चेंजिंग भी आई तो वो भी फिर आपके साथ न्यूज़ जो है वो शेयर कर देंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वाले का सहाय सलामत रखे। जो जो बच्चों ने दुआएं मांगी हुई अल्लाह सारी दुआएं आपकी कबूल फरमाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।